पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद में क्या पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है? क्या पाचन में कोई तकलीफ होती है? नमस्ते, मैं डॉक्टर निहार चांडक, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन परमणी, स्वागत करता हूं अपना द हेल्दी बी चैनल पर। अभी तक हमने देखा कि पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय की पत्री क्या होती है, उसको लगने वाली उसके उपचार और शस्त्रक्रिया क्या है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपकी लैप्रोस्कोपी से सर्जरी हुई है तो आप 1 से 3 दिन के बीच में आप छुट्टी ले सकते हैं, घर जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप आपके दिनचर्या को नॉर्मल दिनचर्या को आ सकते। अपने शरीर को थोड़ा आराम दें, अंगों के बीच ताल विकसित होने दें। सर्जरी के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक डॉक्टर ने बताया कि देखभाल दिनचर्या का पालन करें। बहुत लोगों का यह एक क्वेश्चन रहता है कि ऑपरेशन के बाद में कुछ पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है क्या, या कुछ पाचन क्रिया में तकलीफ होती है क्या। हमें एक समझना होगा कि लीवर में तैयार हुआ हुआ पित्त पित्ताशय की थैली तभी छोड़ता है जब हम कुछ चर्बी युक्त खाना खाते हैं, उसका पाचन करने के लिए तब पित्त छोड़ता है। जब आप पित्ताशय निकाल दी है तो यह काम लीवर करता है। जब भी हम कोई चर्बी युक्त खाना खाए तब पित्त जो ऑलरेडी लीवर में तैयार है वहीं पर वो स्टोर रहता है अभी, और वहीं से आतड़ी में छोड़ता है और वही तब पाचन क्रिया में मदद करता है। इस ट्रांजिशन को या इस बदलाव को एडाप्ट होने के लिए थोड़ा समय जाता है, इसलिए 4 से 6 हफ्तों तक के चर्बी युक्त खाना टाले। मांस, चीज, पनीर, दूध डेयरी प्रोडक्ट्स, तेलकट, बर्गर, पिज्जा, ये सब हमें टालना होगा। अचानक भरपूर अचानक एक साथ ना खाए। हमें खाना कम नहीं करना है लेकिन खाने को तोड़ना है। अगर हम 3 चपाती खाते हैं तो उसे 1.5 चपाती पहले, 1.5 चपाती बाद में ऐसे तोड़ के खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, जिसे हम स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट कहते हैं। अपने फाइबर सेवन को नियंत्रित करें। फाइबर अपने डाइट में महत्वपूर्ण है, लेकिन पित्ताशय की तैली हटा देने के बाद एक उच्च फाइबर डाइट गैस और सूजन पैदा कर सकता है, इसीलिए हमें उस पर नियंत्रित करना होगा। इसीलिए फूलगोभी, गेहूं का ब्रेड, फलियां, अंकुरित दालें का इत्यादि का सेवन कम करें। कैफीन का सेवन कम करें। चाय, कॉफी, कोला, यह एसिड उत्पादन बढ़ाता है, उस वजह से पेट में गैस की तकलीफ हो सकती है। आप क्या खाते हैं इस पर विशेष ध्यान दें। पित्ताशय की थैली हटा देने के बाद खाने की स्वस्थ आदतें और स्वस्थ जीवन शैली, यह अपनाना एक बहुत जरूरी और फायदेमंद होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए। गॉल ब्लैडर रिलेटेड कुछ भी, कोई भी क्वेरी रहे, हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट से हमें संपर्क करें या कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। इसी प्रकार के कुछ डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द हेल्दी मी। सेफ रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू।